नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर मेरे ही गांव में स्नेक रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। जो हमारे रिश्तेदार हैं तो दिनेश जी गौसलिया, जो हमारे गांव में ही रिश्तेदारी है, तो हम यहाँ पे स्नेक रेस्क्यू के लिए आए हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ पे कॉमन कोबरा देखा गया है, तो थोड़ा दिखाना चाहूँगा मैं कॉमन कोबरा को आपको। तो साथियों, ये कॉमन कोबरा है, थोड़ा बेबी लग रहा है मुझे, और इसने शायद कुछ खाया भी होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो शायद ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा साइज का है, मगर सांप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खतरा बना रहता है। और इसको अब रेस्क्यू करता हूँ, डब्बे में डालता हूँ। और तो मैंने इसको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया, और दिखाना चाहूंगा कि अभी ये एक्चुअली में नहीं है। अभी शायद इसने दो चार दिन पहले स्किन छोड़ी होगी। तो इसने दो चार दिन पहले कैच भी छोड़ी है, तो भी छोटा है। और साथ ही इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है, तो बहुत ही हाई वेनम जहर होता है, और इंसान को मारने के लिए सिर्फ एक बूंद ही काफी होती है इसकी। तो चलो इसको डब्बे में पैक करते हैं। खोल जी भैया, डब्बो खोल। तो सही सलामत इसको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो रिलीज करेंगे, फिर मिलेंगे। तो साथियों, यहाँ पर मैं स्नेक को रिलीज करने के लिए आया हूँ। तो दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर का एरिया है, और यहाँ पर पहाड़ है चारों तरफ, और यहाँ पर सरकंडे हैं ज़्यादा, और इधर यहाँ से अभी बरसात का मौसम है तो पानी भी आके यहाँ पर जमा हो रहा है, तो यहाँ पर छोड़ना सांप को उचित रहेगा। तो दिखाना चाहूँगा कि कौन सा सांप हो। तो ये सांप मैंने रात में 11 बजे के आसपास में मैंने इसको रेस्क्यू किया था, और एक बच्ची ने इसको देखा था, और बच्ची के साथ हादसा हो सकता था, मगर सही समय रहते समय मेरे को उसने बुलाया। और हमारे गांव के ही रिश्तेदार दिनेश जी घोसलिया, उनके घर से रेस्क्यू किया गया ये सांप। और बताना चाहूँगा कि इसकी कैचली अभी उतरी हुई है, तो ये इतना ब्लैक दिख रहा है, तो अभी काट के दिखाता हूँ इसको।
फोन ले तू ले ले उठा लो पर भाई ने तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और भी कई बार छात्रों की जानकारी जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रिलीज करता हूँ उसको। वंदे मातरम, जय भीम साथियों।